जानकारी जनपद सरपंच और सीओ साहब को पहले मिल चुकी थी, लेकिन शायद ऐसा लग रहा था कि ये लोग इस घटना का इंतजार कर रहे थे। और हादसा कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ, लगभग 50-60 लोग थे, कुआ पहले से ही क्षतिग्रस्त था और कुएं पे जो भी छत थी लगभग RCC की थी, लेकिन क्षतिग्रस्त होने के कारण 50-60 लोग ऊपर थे तो पूरा कुआ टुकड़ों में टूट के नीचे गिर गया और सभी लोग कुएं के अंदर चले गए। ठीक है, जिन लोगों को तैरना आता था उन्होंने तो अपनी जान बचा ली, लेकिन कुछ ऐसे तैराक भी थे जिन्हें तैरना नहीं आता था, उनकी वजह से वो नीचे चले गए और हो सकता है कुछ लोग पत्थर की चपेट में आने की वजह से क्षति मतलब दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अंदर दब गए। अच्छा, अभी कुआं में लगभग कितने लोग होंगे? अनुमान ऐसा हो सकता है कि कुएं में लगभग 20-25 लोग होने चाहिए। अच्छा, अभी अब कितने निकल आ चुके हैं निकल के? लगभग यहाँ पे 15-20 लोग आ गए होंगे। 15-20 लोग आ गए। जो लड़का गिरा था सबसे पहले, उसको कितनी उम्र का था और क्या नाम था उसका? उसका नाम रवि अहलवार था। रवि अहलवार की उम्र कितनी थी? उम्र लगभग होनी चाहिए 10 से 12 साल। कैसे जानकारी लगी कि ये बच्चा कुएं में गिर गया? हम लोग मोहल्ले में बैठे हुए थे, वहाँ पे उनका जो भाई था छोटा वो दौड़ते हुए आया, हमारे मोहल्ले में एक अच्छा तैरना जानता है उसके घर पे आया और हम वहीं के पास बैठे, बोलने लगा कि भैया ये हमारा भैया गिर गया, उसे बचा। कुएं पे जाके वो लड़का जो था तैरने वाला वो उसके अंदर गया, लेकिन पानी ज़्यादा होने की वजह से वो अंदर तक नहीं गया। नाम क्या है इसका जो उसको बचाने के लिए गया था? रोहित नाथ। रोहित नाथ, वही अहलवार नाथ। नाथ रोहित नाथ। जब वो वहाँ पहुँचा और बच्चे को बचाने के लिए, तो क्या फिर वो वापस ऊपर कुएं में निकल के आ गया था? हाँ, आ गया था। मतलब उसको नहीं बचा पाया, पानी अधिक होने का, पानी अधिक होने का वो अंदर तक जा ही नहीं पाया। फिर हम लोगों के गांव में जो एक बलैया टाइप से बोलते हैं ना, लोहे का जो बना होता है, हम लोगों ने फिर उससे ट्राई किया कि शायद उससे बच्चे की शर्ट पैंट वगैरह में तो ऊपर आ जाए और हम उसे हॉस्पिटल तक ला सकें, लेकिन यही हम कोशिश करते रहे और इतने में अच्छा घटना कितने समय की है? खबर सुनी तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। हाँ, उस कुएं के आसपास